नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 लाइव सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों पर। गांव के लोगों ने प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय का किया घेराव। वन विभाग द्वारा कृषि भूमि पर कब्जा करने का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी जो जंगल में बसे हुए हैं, हाँ। तो उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही है क्या? हाँ, ये देखिए, हमारा 1927 एक्ट की धारा 20 का जिम्मेदार है। इसमें एक बार धारा 20 घोषित होने के बाद किसी का हक नहीं होता है। तो ये लोग मतलब अवैध कब्जा जा रहे हैं, हम लोग नोटिस दिए हैं, तो अपना परेशानी बोल रहा है। कितने लंबे समय से लोग बसे हुए हैं? अब कितना समय वो लोग बोलते हैं, ये मतलब 60 साल 80 साल, और रिकॉर्ड ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। हमारा जमीन 1954 से है। इनको निकालने के लिए तैयारी हो गई आपकी? हाँ, नोटिस तो जारी की है, अभी उन लोग सुनेंगे। कोई एविडेंस आपका पास, मतलब मेरे जमीन के बारे में कोई एविडेंस हो तो चेक करेंगे, ठीक है? एविडेंस नहीं हो तो मतलब पार कर देंगे। हाँ ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? देवीलाल। देवीलाल, मैलानी से आए हैं, जिला लखीमपुर खीरी, पोस्ट मैलानी, ग्राम सलामत नगर नारंग। अच्छा, क्या समस्या थी? आप लोग डीएम कार्यालय भी गए थे, वहाँ पे आप 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, उसके बाद आज अब यहाँ पे आए हैं वन विभाग निर्देशक, बफर जोन, दुधवा नेशनल पार्क। क्या मामला था? मामला यही है, हाँ, कि वन विभाग जो है, जिस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं, जिस जमीन पर हम लोग के पूर्वज जो आए थे और वहाँ रहे थे, उसके बारे में तो हमें ये नहीं जानकारी थी जमीन कैसी है कैसी नहीं है, मगर उनको लेख के हिसाब से हमें पता चला है कि इनका इस जमीन का पट्टा बना हुआ है और इसका इंतखाब भी है और खेतौनी भी है और जो भी सरकारी जो मिलता है, क्या कहते हैं, आवास है, बोरिंग है और पेंशन वेंशन जो भी है, ये सब मिलता था। उसके बाद 1992 में ये सब चीज़ पर रोक लगा दी गई वन विभाग के तरफ से। तो इस उस समय से हम लोग के ये सब चीज़ें से वंचित कर दिया गया है। और इस समय अभी 2016 का नोटिस, इस समय 2022 में 20 तारीख को हमारे नारंग में ले आके, यानी पब्लिकों को देने के कोशिश, जमीन खाली कराने को लेकर, खाली कराने के लिए किसकी तरफ से किया गया ये? ये वन विभाग के तरफ से, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको रिसीव नहीं किए, तो वो लोग क्या किए कि स्कूल जो है, ग्राम समाज का स्कूल जो है, तो बाहर में है, गांव से थोड़ा बाहर, उस पे लोग चपका के चले गए। एक मिनट, हमको एक चीज़ और बताइए कि जो जमीन थी ये किसने आप लोगों को सुपुर्द की थी, किसने की थी? ये का नाम बतौला, राजा भंवर सिंह। राजा भंवर सिंह जो थे, उन लोगों ने आपको से हमको, हमारे पूर्वजों के, हमको नहीं, हमारे पूर्वजों की ये जमीन सुपुर्द की गई थी, क्योंकि वो पेपर कागज सब थे इसके, सब कुछ है, अभी भी है। वन विभाग ने क्या किया? वन विभाग ने 2092 में उसको किस तरीके से खारिज करके और धारा 20 लगाया, ये तो हमें नहीं मालूम है। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे डीएम कार्यालय भी पहुँचे थे, हाँ, कल भी गए थे, हाँ, आज भी गए थे, डीएम साहब ने क्या कहा? उसके बाद हम लोग जब ये समस्या आई, हाँ, उसके बाद हम लोग विधायक के पास गए, विधायक ने वहाँ से बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके कौन से विधायक हैं? विधायक रूमी सहनी, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद ये लोग जब अभी 20 तारीख को जब ये लोग गए थे नप्पी करने के लिए, हकबंदी, तो उन्होंने क्या किया, हकबंदी किया, खूंटे लगाए, उसके बाद हम लोग यहाँ डीएम के पास, यानी जो किसी को